भाजपा सांसद केपी यादव ने वीरमाता जीजाबाई सम्मान समारोह में सिंधिया का नाम लिए बिना उन पर हमला बोल दिया और कहा, हम ये जानते हैं कि अगर उस समय कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो शायद भारत देश आजादी के 75वें वर्षगांठ नहीं बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद केपी यादव के एक बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। गुना के पीजी कॉलेज में वीर माता जीजाबाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। क्रीड़ा भारती के इस आयोजन में सांसद केपी यादव ने बिना नाम लिए सिंधिया परिवार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, चाहे जीजा माता हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इनके बलिदान को देश भुला नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी, उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर उस समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद भारत देश 75वीं वर्षगांठ नहीं बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता, यानी हम 100 साल पहले ही आजाद हो गए होते। भाइयों, अनादिकाल से ही मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है, चाहे जीजा माता हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता, हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। इस बयान के बाद गुना से भोपाल तक हड़कंप मच गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने केपी यादव को प्रदेश भाजपा कार्यालय में तलब कर लिया। यहां करीब 4 घंटे तक बीडी शर्मा ने उनकी क्लास ली। सांसद केपी यादव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कहा कि कार्यक्रम में महिलाओं और मातृशक्ति के बारे में बोल रहा था, उस समय ये बात निकल गई, लेकिन मेरी ऐसी भावना नहीं थी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।